तो नेक्स्ट चलते हैं एंशिएंट ग्रीक की तरफ। ग्रीक के अंदर हमें जो मिलता है जी, पहला जो सबसे बड़ा नाम मिलता है वो 300 बीसी के अंदर मिलता है, यानी हम 1500 बीसी से डायरेक्ट 300 बीसी पे आ गए हैं। तो ये सारी अंदर से हिस्ट्री का कोई खास वर्क नहीं मिलता, इसलिए हम 1500 बीसी से डायरेक्ट 300 बीसी यानी आगे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। ये आगे क्या डेवलपमेंट हुई, आगे क्या डेवलपमेंट हुई। तो 300 बीसी के अंदर नेचुरल साइंटिस्ट और फिलोसोफर था थियोफ्रेस्टस। ये था कौन, इसे कहा क्या जाता है, इसे फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है, यानी आज की जो बॉटनी का सब्जेक्ट मौजूद है, स्टडी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड बॉटनी, तो उसका फादर कहा जाता है, क्योंकि इसने आज तक जितनी भी हम अभी रिसर्च पढ़ चुके हैं उससे सबसे बड़ी रिसर्च की इसने। कैसे, और इसने जो उस वक्त जो है वो रिसर्च और इन्वेस्टिगेट किया जिन चीजों पे वो आज भी इस्तेमाल हो रही हैं। और दूसरी बात ये है कि उस वक्त तक अगर इजिप्ट के अंदर कोई रिकॉर्ड मौजूद भी था तो वो ग्रीक तो नहीं पहुंचा होगा, या दूसरे इलाकों में चाइना में जो रिकॉर्ड मौजूद था वो ग्रीक तो नहीं पहुंचा होगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन बहुत कम, नॉलेज ऑफ ट्रांसपोर्ट भी बहुत कम है। क्या होता था कि ये जो थियोफ्रेस्टस था ये अपने स्टूडेंट को लेक्चर दिया करता था ना, वो फर्स्ट हैंड रेफरेंस होते थे, यानी इसकी अपनी ऑब्जर्वेशन, इसका अपना जो एक्सपेरिमेंट इसने किया है मुख्तलिफ हर्ब्स पे, मुख्तलिफ जो है क्या कहते हैं आप जड़ी बूटियों पे, मुख्तलिफ प्लांट पे वो ये पढ़ाया करता था। यानी ये ग्रीक के अंदर ये फर्स्ट हैंड रेफरेंस के तौर पर अपने स्टूडेंट्स को लेक्चर दिया करता था। अब इसकी एक पिक भी मौजूद है थियोफ्रेस्टस की, गूगल आप कर सकते हैं उसकी पिक को देखने के लिए। उस पिक्चर के अंदर भी आप देख सकते हैं इसने अपने हाथ के अंदर जो है बेलाडोना की एक ब्रांच पकड़ी हुई है, और इसके जो पीछे जो है वो क्या कहते हैं अनार के फूल आपको नजर आ रहे हैं, साथ में सीना नजर आ रहा होगा, सीना मक्खी नजर आ रही होगी, और हैंड रिटन जो नोट्स नजर आ रहे होंगे। तो ये सारी बात बताने का मकसद क्या है कि हैंड रिटन नोट्स हैं, यानी इसके अपने नोट्स हैं, इसने खुद ऑब्जर्व किए हैं, और चीजों से इतना लगाव, पढ़ाने से इतना लगाव कि क्लास के अंदर वो बेलाडोना की जो है वो ब्रांच लेके आ रहा है, वो अनार का जो है फूल लेके आ रहा है, सीना मक्खी का जो है वो सोर्स लेके आ रहा है, वो दिखा रहा है स्टूडेंट्स को, साथ में पढ़ा रहा है कि ये देखो आइडेंटिफाई करो, इसको ये चीज है, इसको ये चीज है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस बेल आइकॉन टू गेट मोर एंड लेटेस्ट वीडियोस, शेयर विद आवर स्टूडेंट फैमिली ऑफ फार्मेसी, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।